अगेन वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन लेक्चर ऑफ द EHVAC एंड HVDC ट्रांसमिशन। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द HVDC स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट हियर। The commercial success for the HVDC is after 1980, as there is alternatives for three phase AC 50 hertz line. The applications of the DC are HVDC are long two terminal bipolar high power HVDC system, back to back HVDC coupling stations, long high power substations. Submarine cable line link, multi-terminal HVDC interconnection between the AC. This is the overview of HVDC. Now you can see the input to the rectifier is AC, and the output from the inverter is also AC. That means the transmissions only takes place in DC form. DC में यहाँ पे transmission हो रहा है. Now there are the lots of advantages by using the HVDC. One of them is the conductor required for HVDC less as compared to three phase. Also HVDC can work on only one conductor. That means the neutral can be completed by C or reverse or any metallic part. So let us discuss here. This is the typical view of the HVDC. In HVDC you can see there is a converter, IGBT's wall, then a reactor, DC adds, AC adds. ये सब कुछ एक ही बिल्डिंग में यहाँ पे है. इसको बोलते हैं कन्वर्टर स्टेशंस. देन यू कैन सी हियर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीसी लाइन एज टू ट्रांसमिट 200 मेगावाट पावर फ्रॉम एसी लाइन वी रिक्वायर टू टावर्स एंड टू ट्रांसमिशन लाइन्स. बट फॉर HVDC we require only one tower. Also the less space यहाँ पे हमें required है और conductor भी हमें कम लगेंगे. तो ये advantages है. So let us discuss further. HVDC links available in all over world. Most of them in हमारे इंडिया में थोड़े कम है, लेकिन इंडिया में जो है हम लोग देखेंगे. मोस्ट ऑफ द एचवीडीसी लिंक्स आर अवेलेबल इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान एंड गुजरात स्टेट ओनली. द वन लाइन 765 किलो होल्ड, तिरोड़ा टू कोराडी, कोराडी टू अकोला एंड औरंगाबाद. ऐसे लिंक्स हमारे महाराष्ट्र में अवेलेबल है. ओके okay. Protection and switchgear requirement. So what is the requirement of HVDC protections? The first, let us understand why HVDC protections is different from the AC protections. Integrated with thyristor converter control. Okay, normal operation thyristor control, single pole fault AC circuit breaker are tripped. At present, HVDC system are without HVDC circuit breaker in DC pole. That means what? Circuit breaker है ही नहीं.
तो फिर यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या, ये जो प्रोटेक्शन जो है किस तरह से फिर किया जाता है? तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग कन्वर्ट कंट्रोलिंग द कन्वर्टर वॉल्व, ठीक है। हाँ, दिस इज द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर फॉर एचवीडीसी लाइन। कंट्रोल टेक्निक्स देखिए कैसे होते हैं, बाय टैप चेंजिंग ऑफ द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर थायरिस्टर कंट्रोल एंड थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ द कन्वर्टर वॉल्व। हाँ, मेटेलिक रिटर्न ट्रांसफर ब्रेकर, दैट इज वन सर्किट ब्रेकर अवेलेबल इन एचवीडीसी टू इंटरप्ट द अर्थ एंड रिटर्न करंट। ओके, देन बैरियर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एचवीडीसी, लैक ऑफ सर्किट ब्रेकर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेस प्रेजेंट सर्किट ब्रेकर, कॉस्ट इज सो मच। जो प्रेजेंट सर्किट ब्रेकर है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। आर्टिफिशियल करंट जीरो, यस आई हैव ऑलरेडी मेनी टाइम्स कि आर्टिफिशियल करंट, नेचुरल करंट जीरो जो है वो डीसी में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीसी इज कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डीसी इज कॉन्स्टेंट। बट एसी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है तो फिर वो मैग्नीट्यूड उसकी बढ़ती है, देन पाई पे अगेन वो कम होती थी, 280 पे वो जो है वो फिर से जीरो होती है और 360 पे जीरो होता है। सो यू कैन से इन एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज देयर इज अ नेचुरल करंट जीरो, देयरफॉर द करंट क्वेंचिंग इज इजी इन एसी एज कंपेयर टू डीसी। सो देयरफॉर वी हैव टू क्रिएट हियर आर्टिफिशियल करंट जीरो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कर सकते हैं बट द कॉस्ट इज वेरी हाई। प्रोड्यूस बाय एलसी ऑसिलेशन सर्किट, डीसी हैज नो नेचुरल करंट जीरोस, ब्रेकर इंटरप्ट्स एट आर्टिफिशियल करंट जीरो। ओके, बाय कंट्रोलिंग द कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द कन्वर्टर वॉल एंड टैप चेंजिंग बाय चेंजिंग द टैप चेंजर टैप चेंजिंग द टैप ऑफ द ट्रांसफर कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। सो यू कैन सी हियर स्कीमेटिक डायग्राम फॉर स्विचिंग। ओके, सो बाय यहाँ पे देखिए एक आर्टिफिशियल करंट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, करंट जीरो, और उस टाइम पे जो कन्वर्टर वॉल जो है वो भी कंट्रोल करते हैं और वोल्टेज जो है वो कम कर देते हैं। सो एनर्जी इक्वेशंस, कंट्रोल ऑफ डीआई बाय डीटी एंड वीडी बाय डीवी बाय डीटी, एल साइड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू रिड्यूस द डीआई बाय डीटी एंड आरसी वन इन पैरेलल टू रिड्यूस द डीवी बाय डीटी। रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड साइड, स्विचिंग स्ट्रेस फैक्टर देखिए यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू डीआई बाय डीटी इनटू डीवी बाय डीटी। सो दिस इज द वोल्टेज एंड करंट स्ट्रेसिंग फैक्टर्स हियर। सो दिस इज द कंप्लीट एचवीडीसी स्विचिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर आइडेंटिफाइड विद द रेफरेंस स्विचिंग टाइम, करंट टू बी इंटरप्टेड, स्विचिंग एनर्जी, वोल्टेज एट विच करंट इज इंटरप्टेड, ईआरवी, एग्जांपल टाइप ए सर्किट ब्रेकर, टाइप बी सर्किट ब्रेकर बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग टाइम, सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर टू लोअर ऑन द स्टेट लॉसेस, नो फेल्योर, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट जीसीटी, फेल्योर सेमीकंडक्टर स्विच ऑफ, वेरिस्ट स्टार्ट कंडक्टिंग, वेरिस्टर स्टार कंडक्टिंग, डीमैग्नेटाइज द लाइन इंडक्टर्स। सो दिस आर द सॉलिड सर्किट ब्रेकर्स। इट मीन्स बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल, बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल
सर्किट ब्रेकर इस तरह से यहाँ पे काम करता है। हाइब्रिड एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर, देर इज अ मैकेनिकल एक्चुएटर विथ वर्किंग विथ आईजीबीटीज, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हैव अ वेरी लो लॉसेस एंड अल्ट्रा फास्ट वर्किंग, इज वेरी फास्ट नॉर्मल ऑपरेशन, करंट फ्लो थ्रू विद मैकेनिकल ब्रेकर एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकर इन सीरीज, लेस रेजिस्टेंस। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। So the cost of this circuit breaker is obviously high as compared to solid state circuit breaker. So fault operation on the hybrid HVDC circuit breaker, three stage power electronics breaker is stripped, high resistance path for the current to oppose the current, mechanical breaker is fixed, and the main power electronics complete the breaking process. It means what? By using solid state semiconductor devices and mechanical actuator, the current interruptions is done. This is the one of the ultra fast mechatronic circuit breaker for HVDC by Altsom.